कंप्यूटर में सिलेक्ट ऑल कैसे करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप भी कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हो और आप उसके अंदर कोई फाइल इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि फोल्डर वगैरह या MS Word की फाइल या कोई भी फाइल, तो आप उसके अंदर सिलेक्ट ऑल कैसे कर सकते हो, यानी सारी फाइल एक साथ सिलेक्ट कैसे कर सकते हो, आइए जानते हैं। यहाँ पर हम आपको दो जगह पर बताने वाले हैं, क्योंकि कई लोग किसी फोल्डर के अंदर करना चाहते हैं और कई लोग किसी MS Word की फ़ाइल के अंदर या MS Excel फाइल के अंदर करना चाहते हैं। सबसे पहला तरीका है, आपको आना है अपने उस फाइल के अंदर जिसमें आप सिलेक्ट ऑल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक फ़ाइल है, तो हम उसे ओपन कर लेते हैं, ये वाली। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने सारे फोल्डर हैं। हम इनको सिलेक्ट ऑल करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट ऑल करने के लिए सिंपल तरीका है, आपको सबसे पहले खाली जगह पे एक बार क्लिक करना है। तो हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पे आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल प्लस ए। आप कंट्रोल बटन दबाए रखें और फिर आप प्रेस करें ए, ए फॉर एप्पल। आप इसे प्रेस करेंगे और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ये ब्लू कलर में हो गया है, इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे आप इसे कॉपी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे आप इस पर, तो यहाँ पे आप इसे कॉपी कर सकते हैं, कई सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पर यहाँ पे अगर आप किसी वर्ड फाइल के अंदर या किसी लिखी हुई फाइल के अंदर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर उस फाइल को सबसे पहले ओपन करें। और जैसा कि पहले बताया था मैंने, पहले स्टेप में आपको खाली जगह पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर हमने क्लिक कर लिया है। अब यहाँ पर भी आप वही तरीका यूज़ करें, आपको कंट्रोल प्लस ए करना है, यानी कंट्रोल बटन दबाए रखें अपने कीबोर्ड से और फिर प्रेस करना है आपको ए, ए फॉर एप्पल, और यहाँ पे सिलेक्ट ऑल हो जाएगा। ऐसे आप इसको इस्तेमाल करें, यह तरीका हर कंप्यूटर लैपटॉप में काम करता है। आपका कंप्यूटर कितना भी नया हो या पुराना हो, यह तरीका हर कंप्यूटर लैपटॉप में काम करता है। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।